तो नमस्ते एक्सप्लोरर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। और काफ़ी दिनों बाद हम आए हैं यहाँ कॉलसेड़ी पर, कॉलसेड़ी स्टेशन की अपडेट लेने। क्या है सीन यहाँ का, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आप कहेंगे मैंने रुमाल क्यों बांध रखा है सिर पर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, रंग पहली मेरा काला ज़्यादा है और ज़्यादा काला हो जाएगा नहीं तो, अगर नहीं बांधूँगा इसलिए कवर करके रखा है अपने आप को। बाकी आप इंजॉय करिए वीडियो को। तो यहाँ देखेंगे एफओबी का काम जोरों शोरों पर है और ये एक नंबर पर खड़े हैं जो नया प्लेटफॉर्म बनाया यहाँ, प्लेटफॉर्म नंबर एक। लूप लाइन डाल दी अभी बाकी है। वहाँ लगभग लगभग जो दूसरी लूप लाइन है, दूसरा प्लेटफॉर्म कह लीजिए, वो लाइन डाली जा चुकी है। थोड़ा बहुत काम रहता है उसका, वो भी पूरा हो जाएगा बहुत जल्द। बाकी हम अभी यहाँ वेट करेंगे 04735 पैसेंजर का, पैसेंजर कह लीजिए या अनरिजर्व्ड एक्सप्रेस है वैसे वो, श्रीगंगानगर से अंबाला के लिए 04735 श्रीगंगानगर अंबाला अनरिजर्व एक्सप्रेस का वीडियो जो है हम अलग से डालेंगे। कोशिश करेंगे हम यहाँ देखने आए वैसे कि टोकन एक्सचेंज जब करेगी कैसे लगेगी वो, क्योंकि कॉलसेड़ी को वो स्किप करेगी तो हम उसका टोकन एक्सचेंज कैप्चर करेंगे। तो नई बिल्डिंग का काम थोड़ा बहुत रह गया है, कॉलसेड़ी की जो ये नई बिल्डिंग है, काउंटर वगैरह तो रेडी है, टिकट काउंटर, गेट वगैरह लगाए जा चुके हैं। बाकी अच्छा लग रहा है स्टेशन देख के। डबलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी यहाँ स्किप एक्शन अच्छा देखने को मिलेगा। कोशिश करेंगे दो चार ट्रेनों को कैप्चर करेंगे उनका स्किप एक्शन यहाँ से जब डबलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है कॉलसेड़ी का नया एफओबी जिसका काम अभी चल रहा है। और वो रही कॉलसेड़ी बिल्डिंग, ये है हमारे जूनियर इंजीनियर जेपीएस के। ये जो आप सेकंड लाइन देख रहे हैं ये वाली लाइन पहले भी यहाँ हुआ करती थी, प्लेटफॉर्म वन की लाइन थी वो असल में, लेकिन देखकर ये लग रहा है कि उसे भी रिप्लेस किया है R260 रेल से। पहले वो 52 केजी की थी, अब ये 60 केजी वाली के साथ रिप्लेस किया गया है उसे भी, क्योंकि एक लाइन अप होगी और एक डाउन। तो जब ट्रेन यहाँ क्रॉस करेंगी तो 110 पे करेंगी, जिसे आगे 130 भी किया जाएगा, इसलिए उसे 52 की जगह अब 60 केजी से रिप्लेस कर दिया है। तो मैं इस रेलवे लाइन की बात कर रहा था, ये पहले लूप लाइन हुआ करती थी कॉलसेड़ी की। फ़िलहाल इसे भी नए R260 रेल्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया है।